नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। आज के इस वीडियो में हम टैक्स डिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। टैक्स डिडक्शन क्या है? टैक्स डिडक्शन की बात करें तो हमारे पास 80C से लेकर 80U तक के डिडक्शन आते हैं। इनकम टैक्स में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए टोटल ग्रोस इनकम के ऊपर में से टैक्स डिडक्शन लेस करने के बाद में जो इनकम आती है वो टैक्सेबल इनकम होती है। तो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए टैक्स डिडक्शन की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो हमारे पास में टैक्स डिडक्शन 80C से लेकर 80U तक के हैं। नंबर एक 80C, 80C में जो टैक्स डिडक्शन है वह है जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अंशदान आदि के संबंध में कटौती है। यह कटौती व्यष्टि करदाता व हिंदू अविभाजित परिवार को भुगतान की जाने वाली राशि या 1,50,000 रुपये दोनों में से जो कम होती है उसकी दी जाती है। अर्थात 80C की जो कटौती है वह भुगतान की जाने वाली राशि या 1,50,000 रुपये दोनों में से जो कम होगी उसका भुगतान, उसकी कटौती दी जाएगी। नोट, यदि करदाता व्यष्टि है तो उसके स्वयं के जीवन पर या पत्नी पर या बच्चों पर कराए गए बीमा पर यह कटौती देय होती है। बच्चों में यहाँ पर सोतेला बच्चा या गोद लिया हुआ बच्चा भी शामिल होता है। बच्चे में पुत्र पुत्री भी शामिल होते हैं, परंतु यहाँ पर पोता पोती शामिल नहीं होते। बच्चे में आश्रित, गैर आश्रित, वयस्क, अवयस्क, शादीशुदा, गैर शादीशुदा, पुत्र पुत्री सभी को शामिल किया जाता है। अर्थात इन सभी के जीवन पर कराए गए बीमा पर कटौती देय होगी। नोट, हिंदू अविभाजित परिवार की दशा में परिवार के किसी भी सदस्य का जीवन बीमा प्रीमियम की कटौती देय होगी। आगे, यदि बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पूर्व जारी की गई है तो यह वास्तविक पूंजीगत बीमित राशि के 20% से अधिक का भुगतान कटौती योग्य नहीं होगा। अर्थात अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले की जारी की गई है तो इसकी कटौती 20% से अधिक नहीं होगी। यदि बीमा पॉलिसी 31 मार्च 2012 के बाद में जारी की गई है तो वास्तविक पूंजीगत बीमित राशि के 10% से अधिक का भुगतान कटौती योग्य नहीं होगा, परंतु बीमा पॉलिसी 31 मार्च 2013 के पश्चात और 80U में वर्णित असमर्थ व्यक्ति के जीवन पर ली गई है तथा 80DD B के अंतर्गत बनाए गए नियमों में वर्णित बीमारियों के ऊपर पीड़ित व्यक्ति के जीवन पर ली गई है तो यह कटौती वास्तविक पूंजीगत लाभ के 15% से अधिक के भुगतान पर यह कटौती नहीं होगी। नेक्स्ट, हमारे पास में 80CCC, 80CCC पेंशन कोष में अंशदान के संबंध में कटौती है। यह कटौती वास्तविक भुगतान की गई राशि और 1,00,000 रुपये दोनों में से जो कम होगी उसकी कटौती दे होगी। नेक्स्ट, अगली 80CCD, 80CCD में केंद्र सरकार की पेंशन योजना में दिए गए अंशदान की कटौती है। ये कर्मचारियों व नियोक्ता दोनों के अंशदान की संपूर्ण राशि की कटौती जो प्रत्येक दशा में वेतन से 10% से अधिक नहीं होगी। 80CCD में वो कर्मचारी शामिल होते हैं जो 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद में सेवा में आए हैं। 80CCE के अंतर्गत अधिकतम कटौती की सीमा का वर्णन किया गया है। ये कटौती 80CC, 80CCC, 80CCD के अंतर्गत स्वीकृत कटौतियों का योग 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट, 80CCG समता विनियोग योजना के अंतर्गत किए गए विनियोग के संबंध में कटौती। यह कटौती केवल व्यष्टि करदाता को विनियोजित राशि का 50% अथवा 25,000 रुपये दोनों में से जो कम हो उसकी कटौती दे होगी। करदाता कोई निवासी व्यष्टि है तो गत वर्ष में उसकी ग्रॉस टोटल इनकम 12,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। गत वर्ष 2012-13 में यह राशि 10,00,000 रुपये थी। अर्थात यह कटौती 80CCG की कटौती उसी व्यष्टि कर्मचारी को मिलेगी, व्यष्टि करदाता को मिलेगी जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम 12,00,000 रुपये से अधिक नहीं है
और ये 2012-13 में यह सीमा 10 लाख रुपए थी। एटी डी में चिकित्सा प्रीमियम के संबंध में कटौती, खर्च की गई राशि अथवा 25,000 रुपये दोनों में से जो कम है वह कटौती देय होगी, परंतु वरिष्ठ कर्मचारी के लिए यह राशि 50,000 रुपये तक की कटौती देय हो सकती है हो जाएगी। निवारक स्वास्थ्य जांच के संबंध में 5,000 रुपये की कटौती, और यह 25,000 रुपये से अधिक है तो 25,000 रुपये तक की कटौती दे होगी। स्पष्टीकरण यहाँ देखिए, परिवार से आश्रय जीवन साथी, आश्रित बच्चों में पुत्र पुत्री से ही होगा, इसमें पोता पोती भाई बहन शामिल नहीं होंगे। इसी प्रकार माता पिता का आश्रित होना आवश्यक नहीं है, परंतु दादा दादी को अभिभावक में शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट, असमर्थ आश्रित के जीवन निर्वाह चिकित्सा के संबंध में कटौती, एटी डबल डी की कटौती किस पे लागू होती है? असमर्थ आश्रित में जीवन निर्वाह या चिकित्सा के संबंध में यह कटौती भारत के निवासी व्यष्टि को, हिंदू अविभाजित परिवार को कुल आय की गणना करते समय दी जाती है। इस धारा के अंतर्गत यह कटौती 75,000 रुपये की दी जाएगी यदि आश्रित व्यक्ति गंभीर रूप से असमर्थ या 80% या इससे अधिक मतलब पीड़ित है तो ये उसको यह कटौती 1,25,000 रुपये की दे होगी। नोट, कर निर्धारण वर्ष की कुल आय की गणना करते समय आश्रित व्यक्ति को ATU के तहत कोई कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी, अर्थात कोई व्यक्ति आश्रित है उसे ATU की कटौती नहीं दी जाएगी, नहीं स्वीकृत की जाएगी। ATDB में चिकित्सा आदि के संबंध में कटौती, व्यष्टि या हिंदू अविभाजित परिवार को यह कटौती वास्तविक भुगतान की राशि या 40,000 रुपये दोनों में से जो कम है उसकी यह कटौती दे होगी, परंतु अगर वरिष्ठ कर्मचारी है या वरिष्ठ नागरिक की दशा में यह कटौती वास्तविक भुगतान या 1,00,000 रुपये दोनों में से जो कम है उसकी कटौती दे होगी। लेकिन यहाँ पर नोट छात्र ध्यान दें, यदि करदाता अपनी आय के नक्शे के साथ में निर्धारित न्यूरोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, हेमटोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट के विशेषज्ञ पर्ची प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे इस धारा के अंतर्गत यह कटौती देय नहीं होगी, अर्थात ATDB की कटौती उसी दशा में दी जाएगी जब निम्न किसी विशेषज्ञ की पर्ची उसने साथ में संलग्न की है। थैंक यू। इस बारे में आगे हम और डिडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। छात्र ध्यान दें, सभी वीडियो में सभी कटौतियां जो बताई गई हैं उन कटौतियों को ध्यान दें, क्योंकि इन कटौतियों के बगैर हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। और अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आए, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सुरेश, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST।